हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन सेशन में, जहां हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं मेनली। ठीक है, हमने बताया था अकॉर्डिंग टू ISBT देर आर मोर देन 30 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। उसके बाद में हमने ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस के बारे में बताया था, किस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट जो होता है हिपेरिन, उसके बारे में बताया था आपको, और क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने किसी भी कारणवश वो लेक्चर नहीं देखा है, सो आप YouTube चैनल के ऊपर जाएंगे, टुडे XP एजुकेशन नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ हर एक चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। सो ह्यूमन जो हार्ट होता है, हमने पहले भी बताया था कि इट इज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है ह्यूमन्स के केस में, जिसमें से दो एट्रिया होते हैं स्मॉल चैम्बर्स एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं। हार्ट के अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको पेरिकार्डियम बोला जाता है। ठीक है, हार्ट का अगर वेट देखा जाए तो अराउंड 300 ग्राम होता है इन एन अडल्ट मेल। एक अडल्ट मेल के केस में लगभग 300 ग्राम का हार्ट होता है, फॉर फीमेल्स इट इज़ अराउंड 250 ग्राम। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन हार्ट कहाँ पे होता है, तो इसमें लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि जो हार्ट है वो सोचते हैं कि वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं होता, आपको ध्यान रखना है कि हार्ट जो है बिल्कुल सेंटर के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर आप स्टर्नम को काटेंगे, चेस्ट बोन जो है यहाँ, इसको ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में होता है आपका हार्ट, लेकिन थोड़ा सा टिल्टेड रहता है ये लेफ़्ट साइड में। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि हार्ट जो है वो सेंटर में प्रेजेंट है, लेकिन इट इज़ प्रेजेंट स्लाइटली टिल्टेड टुवार्ड्स द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट रहता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी में ये जो हार्ट है ये राइट साइड में भी ट्विस्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो तो उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर नहीं होती है। तो चलो देखते हैं क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। हार्ट इज प्रेजेंट इन मेडिस्टिनम स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में मेडिस्टिनम स्पेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन थोरेकिक कैविटी। देन रेडिश ब्राउन कलर्ड होता है। उसके बाद वेट की अगर बात करें, बता दिया आपको लगभग 300 ग्राम वेट होता है। देन कवरिंग जो होती है हार्ट के अराउंड, उसको क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम, विच इज थिन ट्रांसपेरेंट सैक अराउंड द हार्ट। पेरिकार्डियम के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखना है कि इट इज़ थिन ट्रांसपेरेंट सैक अराउंड द हार्ट। लंग्स के बारे में हमने बताया था कि लंग्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, अगर आपको ध्यान हो हमने वहाँ पे बताया था कि लंग्स की कवरिंग को प्लूरा कहा जाता है, प्लूरा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नीट में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि प्लूरा किसकी कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम किसकी कवरिंग होती है। देन पेरिकार्डियम को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरीके की। एक होती है आउटर फाइबरस पेरिकार्डियम एंड इनर वन इज सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, फाइबरस एंड सीरस। सीरस इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज पेराइटल एंड विसरल। विसरल पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी कहा जाता है, एपिकार्डियम। पेराइटल और विसरल के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है। सो व्हाट इज पेरिकार्डियल कैविटी, ए कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी, विच इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूड। यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हम क्या बताएंगे कि इट अलाउज फ्रिक्शनलेस मोमेंट। पहला पॉइंट तो हम क्या बताएंगे कि फ्रिक्शनलेस मोमेंट को अलाउ करता है। देन प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क्स, बाहर जो जर्क हैं उनसे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम ड्राइंग, हार्ट को ड्राई भी नहीं होने देता। ठीक है, उसके अलावा कीप्स द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स अवे फ्रॉम ईच अदर, जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है वो क्लोज हो सकती हैं। ठीक है, तो उनको दूर दूर रखता है। ठीक है, वही टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। उसके अलावा एक चीज़ और बताएंगे हम कि एंटायर हार्ट इज कवर्ड बाई एपिकार्डियल फैट। जब आप हार्ट के स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसके अराउंड में येल्लो येल्लो कलर का एक जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। तो वो क्या होता है, एपिकार्डियल फैट है वो प्रेजेंट होता है। वो एपिकार्डियल फैट शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ठीक है, वो हार्ट को शॉक से बचाता है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो फोर चैम्बर्ड है, जिसमें से दो एट्रिया दो वेंट्रिकल्स, सो दो स्मॉल चैम्बर्स होते हैं, इनको बोला जाता है एट्रिया। ये देखो ये दिखाया हुआ है, तो ये जो चैम्बर्स हैं ये हैं एट्रियाज, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, और ये हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो एक चीज़ इंटरेस्टिंग और बताता हूँ आपको कि हम लोग जो रफली डायग्राम बनाते हैं हार्ट का वो किस तरीके से बनाते हैं, कि मान लो ये दो ओरिकल्स हो गए और ये हो गए दो वेंट्रिकल्स, हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि जो ओरिकल्स हैं वो ये मान के चलते हैं कि वो ऊपर होते हैं और वेंट्रिकल नीचे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वेंट्रिकल्स हैं वो एपेक्स की साइड प्रेजेंट होंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हार्ट होता है हमारा वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे सीधा नहीं होता, इस तरीके से होता है, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड एंड नीचे की तरफ जो होते हैं वो एट्रियाज होते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है। ये पॉइंट लिखा भी हुआ है कि वेंट्रिकल्स फॉर्म द एपेक्स ऑफ हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वेंट्रिकल्स जो हैं एपेक्स जो है हार्ट का वो बनाती हैं। वेंट्रिकल्स फॉर्म द एपेक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, और बेस कौन बनाता है, द बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाई एट्रियाज। ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो वेंट्रिकल्स फॉर्म द एपेक्स एंड द बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाई एट्रिया, दो एट्रिया होंगे दो वेंट्रिकल्स होंगे, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे अंदर, ये पॉइंट क्लियर है। देन यहाँ पे देख रहे हो कि अब इस डायग्राम में देखो आप कुछ पॉइंट बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुनने हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ये कहा जाता है कि द राइट पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो राइट पार्ट है हार्ट का उसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी कि CO2 कैरिंग ब्लड, एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। देन ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल्स, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, और ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व, ठीक है। अब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड किस तरीके से हमने बोला है, तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ट्राइकस्पिड के केस में तीन फ्लैप होते हैं इस तरीके से, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगर रफली मैं डायग्राम बनाऊँ तो मान लो कि ये एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, ये है, ठीक है। सो यहाँ पे तीन फ्लैप्स होते हैं, बाइक स्पीड में दो फ्लैप होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बाइक स्पीड और ट्राइक स्पीड, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ट्राइक स्पीड वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन, द ऑप्शंस आर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, सेकंड वन इज लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑप्शन पूछे जाएंगे। सो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आप बोलेंगे ट्राइक स्पीड वेल्व प्रेजेंट होता है। सिमिलरली बाइक स्पीड वेल्व और मिट्रल वेल्व कहाँ होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ओरिकल्स जो हैं दे आर स्मॉल चैम्बर्स, वेंट्रिकल्स बड़े चैम्बर होते हैं, जो थिकनेस होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज़्यादा होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपसे एक नंबर में कोई क्वेश्चन पूछ ले नॉर्मली कि भाई वेंट्रिकल जो है उनकी वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू ओरिकल्स, सो सबसे ज़्यादा कौन सी वेंट्रिकल की होती है, राइट वाले की या लेफ्ट वाले की, तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकेस्ट वॉल। थिकेस्ट वॉल क्यों होती है, यहाँ पे द आंसर इज क्योंकि इस वेंट्रिकल को ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में भेजना है तो पूरे प्रेशर से भेजना पड़ेगा,
इसलिए इसकी जो वॉल है वो थिक है। ये मैंने दिखाया भी हुआ है डायग्राम में, ये आप देख सकते हो कि द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट अमंग द फोर राइट लेफ्ट ओरिकल्स एंड लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से। सो अगर थिकनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो हम ये बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल देन राइट वेंट्रिकल, ये ऑर्डर रहेगा आपको। और वेंट्रिकल्स की जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है ओरिकल्स से, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दो वेल तो यहाँ पे आ गई, नीचे भी कुछ वेल प्रेजेंट होते हैं, इन सभी का फंक्शन भी बताऊंगा मैं अभी आपको। तो नीचे यहाँ भी कुछ वेल प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जिनको कंबाइनली बोला जाता है सेमी लूनर वेल्व, सेमी लूनर वेल्व, ठीक है। ये एक पल्मोनरी होता है, एक एरोटिक वेल्व होता है, इस एक को बोलते हैं पल्मोनरी वेल्व, पल्मोनरी, एंड दूसरे को बोला जाता है ओर्टिक या एरोटिक वेल्व, ये वेल्व होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, सबसे पहले देखो आप, जब ओरिकल्स में ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कैवा, ऊपर जो अपर बॉडी पार्ट है वहाँ से ब्लड लेके आएगी, इन्फीरियर वेना कैवा, ये देखो ये नीचे वाली, ये है इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा ब्लड लेके आएगी ऊपर वाले पार्ट से, इन्फीरियर वेना कैवा ब्लड लेके आएगी नीचे वाले पार्ट से, वो कहाँ पे डाल देंगी, राइट एट्रियम, राइट ओरिकल में। यहाँ जब ब्लड आएगा तो जब ये ओरिकल्स बिल्कुल फिल हो जाएंगे ब्लड से कम्प्लीटली, तो क्या होगा, ये जो वेल्व है ये ओपन होंगे और जो ब्लड है वो कहाँ पहुँच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। इस तरीके से जब मैं डबल सर्कुलेशन बताऊंगा तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग कि किस तरीके से ये चैम्बर्स जो हैं किस तरीके से वेल्व ओपन होते हैं और ब्लड जो है ओरिकल्स से वेंट्रिकल्स में ट्रेवल करता है। सो वेल्व के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे जब हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से ब्लड जो है वो आता है, किस तरीके से ब्लड जो है दो बार सर्कुलेट कर रहा है थ्रू द हार्ट, ठीक है। देन उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कि टू ओरिकल्स आर सेपरेटेड बाई, दो ओरिकल हैं राइट एंड लेफ्ट, दीज आर सेपरेटेड बाई इंटर ओरिकुलर सेप्टम, कौन सा सेप्टम होता है, इंटर ओरिकुलर सेप्टम होता है, जिसके अंदर एक डिप्रेशन प्रेजेंट होगा, एक ग्रूव टाइप प्रेजेंट होगा, जिसको बोला जाता है फोसा ओवेलिस विच इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। मैंने क्या बोला कि दोनों जो ये वाले हैं, दो ओरिकल्स हैं, दीज आर सेपरेटेड बाई इंटर ओरिकुलर चैम्बर, इंटर का मतलब दो के बीच में, ठीक है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है, तो दो के बीच में प्रेजेंट है इंटर ओरिकुलर सेप्टम, जिसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, ग्रूव प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है फोसा ओवेलिस विच इज प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, ठीक है। देन इट इज ए वेस्टाइज ऑफ फोरामेन ओवेलिस, ये किसका वेस्टिजिल है, फोरामेन ओवेलिस का है, विच इज प्रेजेंट इन फिटस, जो कि फिटस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो क्या काम करती है, इट कनेक्ट्स टू ओरिकल्स, दो ओरिकल को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, फोसा ओवेलिस। देन ये फोरामेन जो है बर्थ से पहले क्लोज हो जाता है, लेकिन कभी कभी कोई रेयरेस्ट केस ऐसे भी होते हैं जहाँ ये फोरामेन क्लोज नहीं हो पाता। अगर फोरामेन क्लोज नहीं हुआ, राइट पार्ट कौन सा हार्ट कौन सा ब्लड रिसीव कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है अगर ये फोरामेन क्लोज नहीं हुआ तो, और अगर ऐसा हुआ तो जो बेबी है वो ब्लूइश पैदा होगा, ठीक है, और उस कंडीशन को बोलते हैं साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसको ब्लू बेबी भी बोला जाता है, ब्लू बेबी, ठीक है। क्यों होता है ब्लू बेबी, बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, किस वजह से, ये फोरामेन जो था ये क्लोज नहीं हो पाया आफ्टर दी बर्थ, सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। देन फंक्शनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व इज रेगुलेटेड बाई, यहाँ पे जो होते हैं इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोला जाता है कॉर्डे टेंडिने, ठीक है, दोनों साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डे टेंडिने प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शनिंग ऑफ बाइकस्पिड जो लेफ्ट साइड में है एंड ट्राइकस्पिड इज रेगुलेटेड बाई कॉर्डे टेंडिने, ये क्या करते हैं, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर हैं, मैंने अभी बना दिया। देन विच प्रिवेंट द बैक कोलेप्सिंग ऑफ
फ्लैप ऑफ एवी वेल्व्स बैक इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी होती हैं तब वो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट बैक कोलेप्सिंग ऑफ फ्लैप ऑफ एवी वेल्व्स, उसको कोलेप्स ना होने दे, ये यहाँ पे इनको कोलेप्स नहीं होने देते इन एवी वेल्व्स को। एवी वेल्व कौन कौन से होते हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला कि जो कॉर्डेड टेंडिने हैं ये बहुत माइन्यूट से स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच प्रिवेंट, जो क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक कोलेप्सिंग ऑफ एवी वेल्व्स, इनको इन वेल्व को बाइकस्पिड को ट्राइकस्पिड को इनको कोलेप्स नहीं होने देते बैक इनटू द एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब, कब होगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, पहले यहाँ पे ब्लड आएगा देन वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाने के बाद वेंट्रिकल से बाहर ब्लड जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि इनको कोलेप्स नहीं होने देते कॉर्डे टेंडिने। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ तक। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें सो हम बोलेंगे कि देर आर थ्री लेयर्स, कौन कौन सी, एंडोकार्डियम देन मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम। ठीक है, सो एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ ए स्क्वेमस एपिथीलियल सेल्स, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसकी बात कर रहे हैं, स्क्वेमस एपिथीलियल सेल होंगी। मायोकार्डियम एज द नेम इंडिकेट इट इज मेड अप ऑफ ए कार्डियक मसल फाइबर्स। ठीक है, कार्डियक मसल फाइबर्स कैसे होते हैं, ये स्टेटेड होंगे और इनवॉलंटरी होंगे, मैं लिख देता हूँ, दीज आर स्टेटेड एंड इनवॉलंटरी कार्डियक मसल फाइबर्स, देन एपिकार्डियम। ठीक है, तो ये तीन लेयर्स होती हैं, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप एक नीट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सो इतनी जानकारी तो बनती है। देन मस्कुलाई पेक्टिनेट, ये क्या होते हैं, जो एट्रिया की वाल्स होती हैं उनके अंदर, एट्रिया के अंदर हम बोलेंगे कुछ मस्कुलर रिजिज होते हैं जिनको बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेट। ठीक है, किस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम बोलेंगे कि ये आपका एक चैम्बर है, ये दूसरा चैम्बर है, देन ये हो गई वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की जो रिजिज हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनेट इन वॉल ऑफ एट्रिया। देन अमंग वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल हैज थिकर वॉल, ये हमने बता दिया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसकी सबसे थिकेस्ट वॉल होती है और लगभग 3 times मोर थिक एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिकॉज इट हैज़ टू, थिक वॉल क्यों होती है, क्योंकि इट हैज़ टू सप्लाई ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, क्योंकि इसको सारे बॉडी पार्ट को सप्लाई करना होता है ब्लड को। ठीक है, ये पॉइंट मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, ज़रूरी है ये याद करना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। देन इनर वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स इज ऑल्सो थ्रोन इन टू रिजिज या फॉल्स, जो वेंट्रिकल्स हैं उसकी इनर वॉल में भी कुछ रिजिज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, देर आर लो मस्कुलर रिजिज, कुछ छोटे रिजिज होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से होते हैं, और कुछ बड़े रिजिज होते हैं। ठीक है, तो जो लो मस्कुलर रिजिज होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड कोलुमने कारने। ठीक है, या फिर उसको ट्रेबेक्यूले कारने भी बोला जाता है, कोलुमने कारने या फिर ट्रेबेक्यूले कारने। ऐसे ही हाई मस्कुलर रिजिज जो होते हैं, जो बड़े वाले रिजिज हैं, इनको क्या बोला जाएगा, दीज आर पेपिलरी मसल्स, इनको क्या बोलेंगे हम, पेपिलरी मसल्स बोलेंगे। हार्ट वेल्व के बारे में डिस्कस करते हैं, सो दो तरीके के होते हैं हमने बता दिया, एवी वेल्व जिनको बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, मैं आपको समझा देता हूँ, एक रफली एक डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से, सो दैट कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मान लो ये आपके एट्रियाज हैं, ठीक है, ये आपकी हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल,
सो यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड में ट्राइक स्पीड वैल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में बाइक स्पीड वैल्व प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कितने फ्लैप हैं, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे कितने फ्लैप हैं, 1 और 2। सो लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये हुआ आपका ट्राइक स्पीड, ये हुआ बाइक स्पीड या फिर मिट्रल वेल्व। इन दोनों को बोला जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एट्रिया और वेंट्रिकुल के बीच में है, तो सो दीज आर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी वेल्व्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ ट्राइक स्पीड एंड बाइक स्पीड। उसके बाद होते हैं सेमी लूनर वेल्व, ये होते हैं यहाँ पे सेमी लूनर वेल्व। एक साइड होते हैं एओर्टिक वेल्व लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में होते हैं पल्मोनरी वेल्व। सो पल्मोनरी वेल्व के बारे में हम क्या बोलेंगे कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन जो राइट वेंट्रिकल है वो एंड पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी वेल्व जो होता है प्रेजेंट बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक वेल्व कहाँ होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। एओर्टिक वेल्व कहाँ होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। सो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं सेमी लूनर वेल्व। सेमी लूनर का मतलब क्या होता है, सेमी मीन्स हाफ, लूनर मीन्स जो मून है वो, तो इनकी शेप जो होती है वो सेमी लूनर की तरह होती है, जो आधा चांद होता है ना वैसी सी इनकी शेप होती है। सो ये सब आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ तक क्लियर है। सो आज की क्लास में हमें यहीं तक डिस्कस करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल दैट इज़ टुडे एक्सपी एजुकेशन को। थैंक यू।